आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शुक्रवार को तड़के आगरा से चावल लादकर लखनऊ जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अनियंत्रित हुए ट्रक में पलटने से आग लग गई। आग की चपेट में आकर ट्रक के चालक और परिचालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने ट्रक की केबिन से जले हुए शवों को बाहर निकाला। शवों की पहचान नहीं हो सकी है। जनपद के कुर्रा थाना क्षेत्र में हुई घटना शुक्रवार सुबह 4 बजे की है। आगरा से चावल लादकर एक ट्रक लखनऊ जा रहा था। कुर्रा थाना क्षेत्र से कन्नौज की तरफ जाते समय ग्राम बेगमपुर के निकट ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। जब तक आग बुझाने के उपाय हो पाते तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मालिक का फोन आया था मेरे पास 7:01 बजे से, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, इसमें ड्राइवर और खलासी दोनों ही एक्सपायर हो गए। कहां से कहां जा रहा था, क्या था? सिद्धार्थ नगर से चावल भर के अहमदाबाद के लिए। ट्रक कहाँ का था? एक ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का है जिसमें थाना गई। जी, क्या नाम आपका? शेर सिंह। हाँ बताओ, कैसे क्या घटना हुई, क्या आपको सूचना मिली, कैसे क्या? यूपी से अहमदाबाद के लिए चावल भर के ले जा रहा था। पता नहीं नींदों में ये हुआ है कि कौन बताता है इसको। तो आप लोग कैसे सूचना मिली, कैसे क्या आए, क्या बताया? सुबह सेठ का फोन आया था 7 बजे करीब। हाँ, फिर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि अपनी गाड़ी आ गए, वो पलट गया है। कितने लोग इसमें खत्म हुए हैं? इसमें 2 ड्राइवर लोग। कहाँ से कहाँ जा रहा था? यूपी से गुजरात। कहाँ के रहने वाले थे मृतक, कुछ पता लगा है क्या? अलवर के रहने वाले।